एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर में स्थित मझोला ब्लॉज गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 13 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर है। लगभग 10,500 की आबादी व 8500 वोटरों द्वारा फिरासत फातिमा को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 620 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 162 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 हैंडपंपों को रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, कब्रिस्तान की बाउंड्री, कन्या इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। प्रतिनिधि मझोला बिल्लोर, ग्राम पंचायत मझोला बिल्लोर, जिला नूरपुर, जिला बिजनौर। मैं अपने संगठन को और ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो सरकार से छोटी छोटी योजनाएं आ रही हैं वो अधिकारी स्तर तक ही रह जाती हैं। जो सरकार ने ग्राम पंचायतों को धन दिया है उनका हमने पूरा सही उपयोग किया है, गाँव में विकास किया है, स्वच्छता की ओर हमारा बहुत खास ध्यान है, सफाई कर्मी हमारे यहाँ पूरे आ रहे हैं, लेकिन संगठन से हमारा अनुरोध है कि वो हमारे प्रधानों का साथ दें और सहयोग करें। जो छोटी योजनाएं आ रही थी, बारात घर यहाँ पे नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, एनएम वगैरह टाइम पे यहाँ टीके नहीं लगाने आ रही हैं, और पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं, रिबोर नलों के लिए हम बार बार कह रहे हैं, वहाँ रिबोर कराने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नल हमें नए नलों की ज़रूरत है, कुछ गाँव में अभी शौचालयों की भी आवश्यकता है, और पंचायत घर हमारा बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है, वो भी है दूसरी जगह पे एक नया पंचायत घर की आवश्यकता है, और बहुत सारे जो विकास हैं उनका हम प्रधान संगठन से भी वो कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बातें पहुँचाएँ।